शामली में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने अवैध शस्त्र बनाते एक आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही मौके से भारी मात्रा में बने अधबने तमंचे, कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए। दरअसल शामली में नगर निकाय निर्वाचन 2023 को शांतिपूर्ण कराए जाने व अपराध की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अवैध शस्त्र की बरामदगी व तस्करी में लिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी केराना के कुशल पर्यवेक्षण में कोतवाली केराना पुलिस एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में अवैध शस्त्र बनाने की मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए गांव गंदराव के जंगलों में अवैध शस्त्र बनाते एक अभियुक्त खुर्शीद पुत्र नूरा निवासी ग्राम गंदराव थाना केराना को गिरफ्तार करते हुए मौके से भारी मात्रा में बने अधबने तमंचे, कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस ने गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में कोतवाली केराना पर सुसंगत धाराओं में नामजद जतन अभियुक्त को चलानी कार्रवाई कर जेल रवाना कर दिया गया है। इस पर पुलिस उपाधीक्षक केराना अमरदीप मोरे का क्या कहना है, आइए जानते हैं। तमंचा फैक्ट्री पकड़ी गई है, कहां से पकड़ी है, कितने आरोपी गिरफ्तार है? आज हमारे यहां तमंचा फैक्ट्री पकड़ी गई है और ये जो है थाना केराना के अंतर्गत ग्राम गंदराव का रहने वाला है, खुर्शीद नाम है इसका। इसके यहां से जो है 315 बोर के 6, 12 बोर के 3 और कुछ अधबने तमंचे, खाली कारतूस और खोखे और बनाने के अवैध जो इनके उपकरण होते हैं वो उनकी बरामदगी की गई है। ये काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं सर। चुनाव निकाय चुनाव चला हुआ है, क्या अभी तक ये सप्लाई कर चुका है, इनको चुनाव बाधित करने की योजना थी? नहीं नहीं, ये हमारे जो मुखबिर के जरिए जो सूचना मिली तो इन्होंने जो बनाया था उसे पूरी भारी मात्रा में जो है इनकी बरामदगी करा ली गई है। जो भी इनके पास उपकरण थे, जो भी हथियार थे, उसे बरामद करा लिया गया। सर क्या आरोपी का आपराधिक इतिहास है? हाँ, इसका आरोपी का आपराधिक इतिहास है। 2017, 18 और 19 में जो है इनके ऊपर कैराना में मुकदमे दर्ज है।